बाय माँ। तो गर्लफ्रेंड जो सब मम्मी बाय बाय करके जा रही है। बाय माँ बाय। रानी कीड़ा ना हो ऐसा ना चाहते कि आप अच्छा रहिए ऐसा से। बाप रे बाप, किसान भी के डाल दीजिएगा क्या? देखिए इस बच्ची को डराया जा रहा है, इतना बदमाशी करती है ये। चलिए इसको रख देते हैं, जब भी बदमाशी करेगी ये वाला कीड़ा जो है इसको डाल देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 18 दिसंबर 2021। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, मैं छत पे आया हूँ। देखिए सूरज भगवान भी नीचे जाने वाले। जब भी मैं कैमरा खोलूंगा भाई साहब, ये ट्रेन तो मतलब अपना भाषण देना है, उसको अपनी मौजूदगी तय करानी है। हाय, यहाँ छत पे खेलेगा? हाँ नहीं नहीं, छत पे नहीं खेलना है, खेलना है तो नीचे खेलना है। ठंडी का टाइम है इसलिए थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा लग रही है मुझे। मैंने सॉक्स वगैरह सब पहन के रखा है भाई, अपने को रिस्क नहीं लेने का है। ये दोनों बच्चे जो रामलाल और श्यामलाल हैं, एक ही तरह का हुडी दोनों ने पहना है। मम्मी पापा ने सेम लाया दोनों के लिए या किसी एक का है और दोनों ने शेयर कर लिया है? नहीं, एक मेरा है। वाह, तुम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। रोज शाम को मैं झालमुड़ी खाता हूँ जो मम्मी बना के देती है मुझे, दादी इतनी शातिर है। अभी ये लेके आई है मेरे लिए और बोल रही है कि खा लो। इसमें क्या है? ये शादी में आए हुए गाजा। ये जो मिठाई है ये भी शादी में आई है, इसके ऊपर इसने ये फरही डाल करके मुझे ला के दे रही है। कल भी ये ऐसे ही कर रही थी। कल छठ पूजा का जो ठेकुआ बच गया था उसको इसने पिघला करके और हलवा टाइप का बना दिया था और यहाँ पे बैठ के खा रही थी। मुझे पूछती है आटे का हलवा खाओगे? मैंने कहा हाँ हाँ खाऊंगा। जब इसके पास गया तो दादी मुझे वो ठेकुए का हलवा मुझे दे रही है खाने के लिए। अच्छा, तो गेहूं का आटा से बना हुआ जो आटे का हलवा होता है वो और वो दोनों सेम ही था दादी? दादी मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। मैं नहीं खा रहा ये सब, तुम ही खाओ। इसमें अमेजोन गिफ्ट कार्ड होगा क्या? के अंदर लिखा हुआ कुछ और रेपर, अच्छा से पढ़िएगा। हाँ? रेपर में ही होगा। अभी गया था मैं मम्मी को स्टेशन से लेके आने के लिए, तो साथ में मैगी ले आया हूँ शाम को खाने के लिए, मगर अभी मैगी खाऊंगा बाद में, पहले जाता हूँ नीचे। अभी भाभी आई है घर से और अभी अभी मुझे पता चला है कि उन्हें ठंड लग गई है। ठंड लगने के दो बड़े समय होते हैं, एक जब ठंड आता रहता है और एक जब ठंडी जाता रहता है। दोनों वक्त पे इंसान केयरलेस हो जाता है कि अरे अभी तो ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं लगेगी, और उसी वक्त ठंडी लगती है। 2-3 दिन से मेरा अपनी हालत खास्ता था, आप लोग देख ही रहे थे ठंडी की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पूरी तरह से प्रिकॉशन में रखा, सॉक्स वगैरह पहन के। भाभी नहीं रख पाई, हुआ बोरसी लगा रही है। इसको लगाते हैं पहले रूम में, लगाते हैं रूम हीटर। अभी 6:30 हो रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल भाभी को लेकर के, थोड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे क्योंकि ठंडी का असर है, एंड वी नेवर नो कि अभी रात होगा कहीं और ज़्यादा बढ़ ना जाए। फाटक खुलते ही बाइक वाले तो एकदम बिढ़नी की तरह निकलेंगे। साइकिल पर बैठ के तो सब जाते हैं, खड़े होके जा रहा है ये। जानती हो लगाया हुआ ही वो ऐसे है कि उस पे खड़ा होगा वो, और अगर ठंड के टाइम पे गिरेगा ना बढ़िया मजा आ जाएगा बेटा तुमको। देखो लहरिया कट, लहरिया कट। तो अभी डॉक्टर के पास आ तो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमारा नंबर आएगा। भाभी को गाड़ी में ही रखा है क्योंकि बाहर ठंडी है, यहाँ पे बिठाने पे भी ठंडी लगेगी। गाड़ी में मस्त हीटर ऑन करके कंफर्ट दिया हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जिस बिल्डिंग में हम लोग आए हैं वो कब की बनी है, थोड़ा ऐसा करके दिखाता हूँ। 1937 की बिल्डिंग है ये देखिए, आज़ादी से 10 साल पहले का। बढ़िया, अभी भी मेंटेन करके रखा है। 1937 लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के 2 साल पहले। पहले इसको देख के ही लग रहा है क्रांतिकारी टाइप का फीलिंग आ रहा है। हुआ चल रुको, उधर से उतारता आराम से देख के नीचे। वेट कर दो भाई, कितना है तू? कितना है? 80 किलो। 80 किलो है तू? 80 से कम भाई। कपड़ा का वजन हुआ? हाँ कपड़ा का वजन होता है भाई। अभी डॉक्टर से तो दिखा दिया है, कुछ दिया है उन्होंने लिख करके, डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, अभी वही लेने आए हैं।
ले भाई अंडा खाएंगी भाभी ये वाला उबला हुआ ना मैगी लेके आया था मार्केट से सोचा था कि शाम को मैगी बना के खाऊंगा मगर टाइम ही नहीं मिला मैगी खाने का अबे इतना क्या हॉर्न बजाता है इसीलिए अभी मार्केट आए हुए हैं तो थोड़ा अंडा खा लेता हूँ पेट में कुछ जाएगा तो आप प्याज वगैरह डाल दीजिएगा भैया तो अभी अंडा तो खा लिया है रिंगू भैया बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा कोई रोल देता है एग रोल तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग अंडा रोल खाने के लिए तो खेली है पहले रिंगू एक बार बहुत बार चलो आज मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे गया का एग रोल लवा लव तेल में एकदम छना समझो तो छना गया नहीं हाँ ओसो मयंग जब छोटे थे मामू से पैसा ले करके और नई गोदाम मोड़ पर एकदम धर के दबाते थे कभी समोसा खा रहे हैं कभी गोलगप्पा खा रहे हैं थोड़ा कम तेल में भी हो जाएगा ना ये अच्छा ये सारा निकल जाएगा इससे चलो चीयर्स करते हैं रिंकू भाई एक एग रोल सफिशियंट है पेट भर गया मेरे से तो पूरा भी नहीं खाया गया लेकिन मजा बहुत आया बेहद लजीज था कल चिकन का व्यवस्था होने वाला है देसी चिकन बनेगा कल फिर से रूम के अंदर कुर्सी भी जलाए हुए हैं और हीटर भी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है घर पे आने के बाद कि कौन सा मेडिसिन किस चीज का है हम लोग मिला रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है डॉक्टर का हेड राइटिंग माशाल्लाह तो अभी 10 बज रहे हैं मैंने अभी अपनी दाढ़ी को थोड़ा बहुत सेट किया है ट्रिम किया है थोड़ा थोड़ा इधर से लाइनिंग किया है और थोड़ा बहुत मतलब सेट किया है मैंने ऐसे तो मैंने सोचा था कि आज बार्बर शॉप में जाऊंगा और ठीक से इसको अच्छे से बनवाऊंगा इधर से पूरा ट्रिम करूंगा यहाँ थोड़ा रखूंगा डार्क मगर आज बार्बर शॉप जा नहीं पाया तो अभी का आलम यह है कि अभी एक दो दिन के बाद ही होगा संडे वनडे को जाऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो क्या बना रही हो सगरो दे दे हियो कर सब देतन त नायु हले कहित नायु भी तोरा कह ले हां दादी के देख के अका तो कल की ना कि ए नानी आजा ए नानी आजा हां अभी दादी बना रही है छिलका नमकीन छिलका वैसे तो मैं भी खाता ये मगर एग रोल खाने की वजह से मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं नहीं खा पाऊंगा सिर्फ गर्म दूध पीऊंगा क्या मीठा को गलाई हो क्या मीठा हाँ? हाँ। मतलब गुड़ का ही बनाया हुआ है ना किसी दूसरे चीज का नहीं नहीं बेटा नहीं दादी छठ का जो टिकरी है ना ठेकुआ उसको बोलती है कि हलवा है आटा का ही खा लो गर्मा गर्म दूध पियेंगे ठंडी के दिन में गुड़ डाल के तो ये अचानक कैसा हो गया दादी तो अभी तो हंसते खाते एकदम बोल रही थी अभी इतना हंस बोल रही थी अचानक से इसका तबियत अभी जस्ट दूध वूध पी करके हंसते बोलते खाते पीते सब कुछ करके मैं अपने रूम में गया बैठ के एडिटिंग कर रहा था और अचानक से दादी दौड़ के आई मुझे बोलने के लिए कि मम्मी गिर गई है मैं आया देखा यहाँ पे किचन के पास ऐसे एकदम गिरी हुई है ज़मीन पे कभी भी इसका तबियत ख़राब हो जाता है अगर दिमाग में कभी कुछ और सोच रही हो तो और ये इसको खुद भी ये इसके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है कि ये कब क्या सोच रही है इसीलिए कोई भी शॉकिंग चीज़ या इस तरह की चीज़ें इसको अचानक से नहीं बताते हैं क्योंकि ये अपने दिमाग में अलग ही कल्पना करने लग जाती है और अलग लेवल पे चला जाता है देखिए रिजल्ट सामने है लगता है बना ही रही थी खाना है ना दादी हाथ भी गंदा है अब आज के साथ साथ कल का भी पूरा दिन इसका बिल्कुल खराब जाएगा जिस दिन भी गिरती है उसका नेक्स्ट पूरा कमजोरी वीकनेस महसूस होता है इसको माँ माँ चलो पहले दवा खाओ मम्मी दवा खाओ पहले उठो 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 लो दवाइया खाओ ना हाँ गर्म पानी है और पानी पिलाओ लेट जाओ ये बताओ माँ खाना खाओगी ना खाना नहीं खाओगी ऐसे ही सोगी माँ खिला देता हूँ मैं हैं एक एक खा लो एक एक अभी ना बाबू अच्छा थोड़ा देर में मैं सरी लगा दो हाँ लगा देता हूँ तुम ही यहीं सो दो बाबू ठीक है मैं यहीं सो जाता हूँ तुम्हारे साथ सर दर्द हो रहा है और कांप रही है ठंड से हाँ दोनों दवाई दूंगा माँ खाना खाओगी एक बनवा दूँ दादी बना देगी एक रुको मैं खिलाता हूँ तुमको ठीक है ना अभी ठहर जाए थर थर कर रही थी अब पी रही
कर दे हमको। तुम थाम ली थी, गिरी थी तो गिर ली ना, इसे लटका ले बने इतने अथिया ने नहीं करती तो हम समझ ही गई कि माथी होती नहीं है कि मैं यह ऐसे कर के पार ली है। पार के दो गई के लिए थोड़ा फिर कि ठंडा ना है, थोड़ा से लगती करती है ये ना ठंडा खराई करते। हम नहीं रहते तो दादी तब कहा कैसे कहे मैं करा चल करते। ये तो लकली हम थे, पापा भी नहीं है यहाँ पे। वैसे तो मेरा प्लान था कि रात को एडिटिंग करूँगा, मगर एडिटिंग ऑब्वियसली अभी नहीं कर रहा, छोड़ दिया है, सुबह करूँगा। अभी देखिए मम्मी सोई हुई है यहाँ पे, मैं भी मम्मी के पास आके सो गया हूँ ताकि इन केस अगर रात को ज़रूरत पड़े मम्मी को तो मैं यहाँ पे रहूँ। खाना नहीं खाया इसने, मैंने बहुत कोशिश किया कि तुम खा लो बट मन नहीं था, मेडिसिन वगैरह दे करके अभी सुला दिया है। कल सुबह एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेहतर हो। मुझे याद है कि कल जब मैं ब्लॉग ख़त्म कर रहा था, एंड कर रहा था, उस समय ये एक्सपेक्ट किया था कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं एक अच्छे नोट पे शुरू करूँगा। और मगर आज भाभी का भी तबीयत ख़राब, मम्मी का भी तबीयत ख़राब, पता नहीं क्या ऊपर नीचे सबका तबीयत ख़राब हो रहा है।